सब अभी कुछ चल रहा है और वो क्या चल रहा है, हम कह सकते हैं कि साल 2021 अपने आखिरी घंटों में चल रहा है। कुछ घंटे रह गए हैं साल 2021 के ख़त्म होने में, तो ये जाएगा जैसे ही साल नया साल 2022 आ जाएगा। तो हर साल जब भी आता है, जो भी साल आता है, किसी के लिए खुशियाँ लेके आता है, परेशानियाँ लेके आता है, मिक्स भी होता है, जैसे भी होता है, सब कुछ मतलब कि ज़िंदगी है उतार चढ़ाव तो आता रहता है। तो उम्मीद ये करते हैं कि साल 2022 सबके लिए खुशियाँ लेके आएगा, क्योंकि ये जो साल दो थे ना, ये 2020 और 21, ये कुछ खास अच्छे नहीं थे। अभी इनका मतलब इनको हम शुमार ना ही करें तो अच्छी बात होगी, बहुत कुछ वैसे इन्होंने सिखाया भी है हमें। तो अभी ऐसा है कि इंतज़ार है बहुत ही शिद्दत से 2022 का, तो उसके लिए भी हमने प्लान किया ये कि मीटअप करेंगे। हम जा रहे हैं बर्गर, पता नहीं क्या नाम था उसका, वहाँ पे जाएंगे। आज वैसे काफ़ी ज़्यादा सीन्स चल रहे हैं, कहीं पे क्वाली नाइट चल रही है, कहीं पे मीटअप चल रहे हैं, सिंगिंग चल रही है, पता नहीं क्या कुछ चल रहा है, मगर हम लोगों ने जहाँ जाना है वहाँ पर देखते हैं। चलते आज है जी आखिरी दिन, किस चीज़ का, साल 2021 का आखिरी दिन, बल्कि अभी तो कह सकते हैं आखिरी रात है, और अभी कुछ लम्हों बाद हो जाएगी 2022, हो जाएगा 21 थी, अब हो जाएगी 22। सो आपसे मुलाकात होगी अभी कुछ देर में अगले साल, मतलब इसी व्लॉग में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इतना लंबा व्लॉग मतलब कि 2021 में स्टार्ट कर रहे हैं और ख़त्म किस में हो रहा है 2022 में, एक साल लंबा व्लॉग। सो अभी ऐसा है कि हम लोग मौजूद हैं बर्गर स्टेशन पे, हमारे साथ राइडर्स मौजूद हैं और वेट कर रहे हैं कुछ मजीद राइडर्स का। यहाँ पे अलग गैदरिंग हुई है, यहाँ पे अलग गैदरिंग हुई है, और हम लोग यहाँ पे खड़े हैं काउंटडाउन के लिए 2022 के लिए, नए साल के लिए। 30 बाइकर्स मौजूद हैं यहाँ पर, देख सकते हैं आप, पॉइंट तक बाइक जगह खत्म होगी हमारे बाइक की, क्योंकि ग्रुप में कहा था वो आई थिंक 30 लोग थे। सीन यही है कि रश आप देख रहे हैं आपके सामने, अब ये ना जाना कि रास्ते में किसी को पुलिस ने पकड़ लिया, बिहेवियर पूजा। वो 30 के 30 किधर गए सारे, वो 30 के 30 बेचारे रश की नजर हो गए, रश में कोई फंस गया, किसी को पुलिस ने रोक लिया, मुझे तो ये लग रहा था वो विलिंग करता हुआ आ रहा था, तो पुलिस ने कहा ये क्या कर रहे हो, पकड़ के ले गए थाने में। सर सामने कैमरा तो करें, वहाँ पे रश तो देखें, यहाँ पे बाइकर आ सकते हैं, मतलब पैदल नहीं निकल सकते रोड से। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं वकास भाई, आप उनको बचाने की कोशिश तो कर। ये क्या हुआ, चीखें किस चीज़ की थी, पहले उधर चीखें थी फिर इधर चीखें, अच्छा ये क्या हो रहा है।
सर न्यू साल नए साल में आ चुके हैं, फर्क क्या है? वैसे फर्क तो मुझे खास नहीं लग रहा। अच्छा ये बताएं कि अभी जो फायरवर्क्स वगैरह इधर हुए हैं तो इसका मतलब है कि 2022 शुरू हो चुका है। 2022 शुरू हो चुका है। हमें कैसे पता लगा कि 2022 शुरू हो गया? मतलब ऐसा क्या होगा? मुझे तो वही सब सेम लग रहा है तकरीबन। ये कैलेंडर से जनवरी लिखा हुआ। वाह क्या बात है यार, मैंने कहा शायद कुछ बताया हो सकता ना। मतलब तकरीबन वही रात है, वही सारा समय, वही सारी आवाम इधर सूटे मार रही है, कुछ कर रहा है, फिर अब कैलेंडर चेंज हो गया है। नया साल आ गया भाई, मुसलमानों का नया साल मुहर्रम स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हम लोग यहीं से मनाते हैं। हम नया साल एक इवेंट को करने के लिए राइड रखी थी, बस इसको आए हैं हम लोग, यहाँ इकट्ठे हुए हैं अपने भाई के पास। बाकी देखेंगे जैसे जो यानी कि अपनी कन्वीनियंस पे समझेगा आएगा। तो अभी ऐसा है कि वेट कर रहे हैं, कुछ लोग देख रहे हैं, 12 बजे के बाद थोड़ा रश कम हो जाएगा यहाँ पे, तो फिर लोग आएंगे। यहाँ पे हम लोग ड्रिफ्ट वगैरह करेंगे, बर्नआउट्स करेंगे, यहाँ पे थोड़ी बिलिंग्स करेंगे। वकास भाई ये भी टाइट कर रहे हैं, इसको ऐसे करके बिलिंग करके वकास भाई ने वो करके डाला, खड़ा किया हुआ है बंदे डालने के लिए। नहीं ऐसे करके लेकर आए हैं, मोटरसाइकिल भी डालने के लिए शू शू करके निकलेंगे, फिर वो डाला आगे खोल के खड़ा कर देंगे उसके बीच में छप छप लोड कर ये तो सही कहा पटे रख के ना डाला खड़ा कर देते हैं और जाएंगे सीधा अंदर ना जितनी स्पीड से जाएंगे क्रॉस करके निकल जाएंगे आगे तो जी सब बातें अलग हैं, मजाक भी अलग है, मगर नया साल जो शुरू होता है इसमें हर किसी की बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं, बहुत सारा कुछ सोचा होता है कि इस साल क्या कुछ करेंगे, किस तरह से करेंगे। तो मेरी तो दुआ है कि जिसने जो कुछ सोचा है, जो कुछ उनके लिए ये नया साल अच्छा साबित हो। राइड का भी प्लान था बट वो है इस तरह के राइडर्स अगर कुछ आ जाते हैं तो काफ़ी सारे राइडर्स नहीं आए। अब आई डोंट नो कि किसका क्या इशू था, किसका क्या इशू था। कुछ इस तरह से नए साल 2022 को खुशामदीद कहा गया और इस जोश व जज्बे से नए साल को खुशामदीद कहने का मकसद मतलब ये है कि ये साल जो पहले सालों में जो कुछ हम नहीं कर पाए, जो करना चाहते थे, जो परेशानियाँ थी, वो इस साल में सब ख़त्म हो और ये साल हमारे लिए बेहतरी का साल हो। तो इसी उम्मीद के साथ नए साल को खुशामदीद कहा गया और उम्मीद करते हैं कि अपने अंदर भी पॉजिटिव चेंज लेके आएंगे। तो ठीक है फिर आपसे मिलते हैं इसी अपनेपन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।